आरआर वर्सेस एमआई ड्रीम इलेवन टीम चाहिए, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ पर आपको हवाबाजी नहीं मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। आज हम बात करेंगे मुंबई वर्सेस राजस्थान मैच के बारे में, जो कि कल शाम 7:30 बजे स्टार्ट होगा। तो पिछले 2-3 दिनों से हमारी टीम काफ़ी अच्छी बन रही है, आप जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार बनाए टीम, किस खिलाड़ी को लेना है, किस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है, कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाना है, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर्स में, तो मैं यहाँ पर जोस बटलर को ले रहा हूँ और ईशान किशन को ले रहा हूँ और संजू सैमसन को ले रहा हूँ। तो ये मेरे 3 विकेट कीपर बल्लेबाज। तो उसके बाद हम बात करेंगे बल्लेबाजी में, तो रोहित शर्मा को मैं ले रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव को ले रहा हूँ और वाई जायसवाल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। आप चाहो तो ले सकते हो रोहित शर्मा की जगह, रोहित शर्मा को ड्रॉप करके जायसवाल को ले सकते हो, पर मैं यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ले रहा हूँ सिमरन हेटमायर को। आप यहाँ पर तिलक वर्मा को ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, पर मैं यहाँ पर रिस्क ले करके सिमरन हेटमायर के साथ जा रहा हूँ। और ऑलराउंडर की बात करें तो मैं रियान पराग, हार्दिक पांड्या को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ये बॉलिंग में भी इतने खास कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं और बैटिंग में भी कुछ इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए हैं। तो मैं यहाँ पर रोमारियो सेपर्ट को लूँगा, क्योंकि ये बल्लेबाजी भी कर लेंगे ताबड़तोड़ और बॉलिंग भी कर लेंगे। तो मैं ये ऑप्शन रिस्की है, पर मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ। तो आर अश्विन को मैं यहाँ पर लूँगा, अश्विन को ड्रॉप करूँगा, जसप्रीत बुमराह को लूँगा, वाई चहल को लूँगा और ट्रेंट बोल्ट को लूँगा। तो ये मेरी टीम कुछ इस प्रकार नज़र आ रही है। आप अपनी टीम बनाओ तो टॉस होने के बाद बनाना, ताकि आपको मालूम रहे कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है या गेंदबाजी कर रही है, उसके हिसाब से आप प्लेयर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस टीम का मैं मेरा कैप्टन रखूँगा सूर्य कुमार यादव को, और वाइस कैप्टन में रखूँगा जोस बटलर को। तो ये है फाइनल टीम मेरी। अगर टॉस होने के बाद बनाना आप टीम, अगर कोई प्लेयर नहीं खेले तो उनको आप एडजस्ट कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।